फाइनली गाइस वेलकम बैक दी अगेन अनदर व्लॉग गाइस। फिर से आज मैं एंट्री कर रहा हूँ एडवेंचर में, एडवेंचर आइसलैंड। पीछे हमारी दीदी और जीजा जी हैं। आज मैं हम तीन जने आए हैं। पिछली बार मैं आया था फ्रेंड्स के साथ, उससे पहले आया था फ्रेंड्स के साथ, तो इस बार दोबारा आया हूँ मैं एडवेंचर में। ये पीछे का नजारा एंट्री है, यहाँ से इधर हमारी एंट्री होती है। पीछे ये पूरा सरफेस देख सकते हो, इतनी धूप है। मेरा मन नहीं था पर दीदी कह रही चलो 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 चलो, तो मैं दोबारा आया हूँ आज। अब दिखाता हूँ आज फिर से मस्ती इसी जगह की, बट इस बार थोड़ी अलग मस्ती होगी। फ्रेंड्स के साथ ही अलग होती है, ये थोड़ा यूनिक होगा, वो दिखाता हूँ मैं। चलो एंट्रेंस पे मिलता हूँ वहाँ पर, क्योंकि दूर है, चल रहे हैं। चलो टिकट वगैरह इस बार की देखते क्या लेते हैं, कितनी है टिकट मुझे नहीं पता, अभी वहां जाके पता करते हैं। और आज है ट्यूजडे, ये याद रखना, ठीक है ना। वहां मिलते हैं, एंट्री करते हैं। चलो एंट्री फिर से हमारी इस बार हुई, टिकट उस साइड भी है और इस साइड भी है। दीदी हमारी आ रही है, कैसा लग रहा तुम्हें यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देख रहे हो अभी अंदर घुसे नहीं है, अच्छा लग रहा है। चलो भाई हम उस साइड वाले पे जाते हैं टिकट लेने फिर से। इस बार टिकट का प्राइस देखता हूँ कितना है। बाकी इस बार मैं दीदी को बोल रहा हूँ ये जो रनवे है, इस बार रनवे कवर कर ले क्या गाइस वाला? ये रनवे का बहुत अच्छा सिस्टम है, तो देखते हैं। बाकी कुछ इधर देख सकते हो, इस बार मैं कुछ अलग सी चीजें दिखा रहा हूँ आपको। ये छोटे छोटे बच्चों के गिफ्ट्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हो, छोटे छोटे ना कैबिन से लगे हुए हैं, इसमें गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे हैं। ये देखो यहाँ पर कुछ इधर कुछ इधर, ये बीच में शावर सा चलता है, आज बंद पड़ा हुआ। कपड़े इधर उधर, क्रिकेट स्काई वॉल कुछ करके है। बाकी यहाँ से एंट्री है, थोड़ा और आगे चलता हूँ दिखाता हूँ क्या। बाकी यहाँ पे कार अगर बाइक से आते हैं आप, तो कार की पार्किंग का 50 रूपए है, बाइक और स्कूटी वगैरह का 30 रूपए, ठीक है ना। अब ये देखो सारा, तो गाइस यहाँ पर कुछ ऐसा है, यहाँ पर हैंग फॉर 2 मिनट्स 2000 विन, 2000 रूपए मिलेंगे अगर 2 मिनट आप इस लोहे पर लटक जाते हैं ऊपर वाले पे। बट ये मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं लटक सकता, ठीक है ना। ये छोटे छोटे बच्चे के टॉयज टाइप के, ये बगल में वोटिंग के लिए यहाँ पर जगह दे रखी है वोटिंग करनी है तो। बाकी एंट्री वो है, टिकट हमें उस साइड मिलेगी, तो उस साइड जा रहे हैं टिकट लेने। बाकी ये रनवे ये रहा हमारा जो कि इस साइड है, पीछे की साइड ये रहा, ठीक है ना। देखते हैं, बातचीत करता हूँ दीदी से कि रनवे में जाना है क्या, होटल रेस्टोरेंट टाइप का है वो भी देखते हैं, ठीक है। बाकी टिकट लूँ पहले मैं इधर जाके, अभी ये देख सकते हो ये भाई झंडा, लेट्स गो गाइस। तो गाइस आज भी यहाँ पर 400 रूपये ही टिकट है, वीकेंड्स एंड वीक नहीं, वीकेंड्स पे 500 रूपये है गाइस, और वीक डेज पे 400 रूपये टिकट है। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारे दीदी और जीजा जी टिकट ले रहे हैं, मैं भी जाऊँ टिकट के लिए। टिकट वही रेट है भाई, सब कुछ महंगे हो गए हैं। देख सकते हो भाई इस बार की टिकट जो है मेरी बहन और जीजा जी की तरफ से है मेरी, मैं अपनी तरफ से कुछ पैसा नहीं खर्च करूंगा। है दीदी आपकी तरफ से ट्रिप है ना ये? पक्का ना? तो गाइस इस बार दीदी की तरफ से ट्रिप है, देखते हैं। तीन टिकटें आ रही है हमारी, फिर से वही बैंड वहां पे जाके बांधेंगे। बाकी एडवेंचर आइसलैंड देख सकते हैं कितना प्यारा सा लग रहा है लिखा हुआ, और देखते हैं इस बार के मजे क्या है हमारे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे डायनासोर पार्क खुल गया है, जुरासिक टिकट 100 रूपये टिकट है, ये नया खुला है अभी, रोबोटिक है जो की, इसमें भी देखते हैं क्या चीज खुला है ये नया, ये मैंने अभी आज तक देखा नहीं था, बट अब देखा, एक बार देखूंगा क्या चीज है, ठीक है ना। चलो आगे चलते इधर टिकट के लिए, इधर दीदी इधर। बाकी यहाँ का इसका चेक काउंटर ये है, यहाँ से दे सकते हो अगर किसी को रनवे का चाहिए तो। बाकी मैं रनवे, मेरा मन नहीं करता पता नहीं क्यों, मैं जब भी आता हूँ रनवे नहीं जाता। ये देख सकते हो इस फोटो खिंचवाने के लिए बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर, ये रनवे का सीन था एडवेंचर आइसलैंड, ठीक है ना। अब इसके अंदर जा रहे हैं हम, जो कि यहीं से एंट्री होती है पीछे की साइड से। ये मेरा जो पिछला थंबनेल था वो वॉलपेपर इस जगह का था, बाकी अब आगे कहीं देखते हैं, अंदर मिलते हैं तुम्हें चल के, ठीक है ना। दीदी और जीजा जी जा रहे हैं, मैं भी चलता हूँ टिकट लेता हूँ। चलो दे दो उन्हें, तीन टिकट दे दो, फोटो खींचते रहेंगे। आइए भाई ये तीन टिकट है हमारे, ये वो मैम सामने जाओ। हवा चल रही है भाई, फिर से हमारी एंट्री एडवेंचर में। दी कैसा लग रहा है तुम्हें एडवेंचर में आके? एडवेंचर में तो सबको अच्छा ही लगता है, हैं? जी दीदी आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, ये नजारा देख सकते हो। फर्स्ट टाइम आपका? फर्स्ट टाइम। तो गाइस ये मेरे जीजा जी का यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, जीजा जी मेरे गोरखपुर के हैं,
बाकी दीदी दिल्ली से, दिल्ली तो दीदी आई हुई है। जीजा जी और दीदी फर्स्ट टाइम आए। ये रनवे देखो हमारा, ये पूरा रेस्टोरेंट है, मस्त सा है। अभी देख रहे हो घोड़े छोटे छोटे। अब यहाँ से अंदर चलते हम इस बार। मेरी एंट्री तो हो गई है एडवेंचर आइसलैंड में, फिर से मैं जा रहा हूँ। ये बैंड हमारे हाथ में फिर आ गया इस बार, फिर से मैं निकल पड़ रहा हूँ एक अनोखी राइड, जो इस बार मैं दूसरी राइड लूंगा। हमेशा मैं पहले इधर वाली राइड लेता था, बट इधर वाली नहीं ले रहा इस बार। इस बार मैं ये वाली राइड लूंगा जो हमेशा मैं आखिरी में लेता, इसको फर्स्ट लेके शुरू करेंगे। बस इसका भाई कहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, वो नहीं बनता इनका, क्या होता है, प्रेशर नहीं बना होता। तो इस बार प्रेशर शायद बन गया होगा, देखते हैं। दोपहर में आया बिकॉज 3 बजे का टाइम है। चलो वही लेट चलता हूँ, लेट्स गो, आओ। तो गाइस इस राइड का नाम राइड नहीं है, ये शालाला, एक डांसिंग इफेक्ट टाइप का कुछ, यहाँ पे लोग डांस करते हैं, जो पिछली बार हमने हमारी वीडियो में आपने देखा होगा। गाने बज रहे हैं, थोड़ा सा चलते हैं और आगे। यहाँ पे अभी हम गीले नहीं होंगे इस बार, थोड़ा गीला लेट होंगे। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कपल्स डांस भी कर रहे हैं। चलो तो गाइस ये राइड हमारी बंद पड़ी हुई है, पता नहीं क्या इशू है, कभी भी नहीं खुलती यार। फ्लिप आउट इतनी मस्त राइड है ना ये वाली, खुलती नहीं है। ये ठीक इसके बगल में है, जो शावर है ना, इन्हीं के ठीक बगल में आती है राइड, जो कि बंद पड़ी है। बाकी मैं और आगे चलता हूँ। ये नजारा देख सकते हो यहाँ का आप, आगे गाइस कुछ मंकीज, ये आइए बैठे हुए भाई फुल मजे। ओ गेंडा स्वामी, गेंडे के डर के कारण वो शायद पेड़ पे चढ़ रखे हो उधर। चलिए गाइस आगे दिखाते हैं और क्या है इस पार्क में अभी एडवेंचर आइसलैंड में, लेट्स गो। फर्स्ट राइड गाइस हमारी यही है फिर से, क्योंकि वो बंद थी, दोबारा हम इसी राइड में आए। फर्स्ट मजे देख रहे हो गाइस, पीछे थी जीजा जी, मैं सिंगल बैठा हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं है, मुझे भी चाहिए। ठंडा ठंडा, ओ गाइस ये राइड देख रहे हो, एंजॉयमेंट, यस दीदी। कहाँ पे आए हो, झूला झूलने आए हो, देख रहे हो गाइस झूला झूलने आए हैं। ऐसी जगह पे पीछे का नजारा देखो, कुछ ऐसे झूले झूले हैं। कैसा लगा तुम्हें इस राइड में झूल के, सच सच बताना, ये जो राइड थी कैसा लगा? पक्का अब इस राइड में चलते हैं गाइस, इस राइड को आप देख सकते हो क्या आनंद है, देख रहे हैं, चिल्ला कैसे रहे पे, हाई फुल ऊपर तक जा रही है। चलो इसमें अंदर चलते हैं, भीड़ ये रही कुछ, यहाँ मजा, हम भी चलते हैं। अभी अभी हम आए हैं बस में बैठने, ये पीछे का नजारा देख सकते हैं, दीदी और जीजा जी बैठे हैं। अभी हम एक ऐसी राइड लेके आए, ये थक गए हैं, कह रहे हैं आराम से बैठते हैं बस में, ये कुछ बस है, ये राइड है, अभी ये चल नहीं रही, मैं ड्राइवर बन रखा हूँ। बस है या ट्रेन है मुझे भी नहीं पता, ये अभी देखते चलती है चलती। ठीक इसके बगल में ये वाला शो है, जो ये ऊपर झूला जाता है, ये रहा कैसे होगा, ये झूला सा है, ये ऊपर जाएगा, वही पानी वाला शो है यहाँ पर। बाकी देखते हैं यहाँ पर, अभी ये कह रहे थोड़ी देर में चलाते हैं भैया इसको, हम आराम से बैठे हुए हैं, जब चलेगा तब देखेंगे। बाकी उम्मीद है आप सबको इस वीडियो में मजा आ रहा होगा, अभी राइडे तो बाकी है, राइडों का तो उधर मजा लेंगे, ठीक है ना गाइस। एक राइड है हमारी कुछ ऑक्टोपस कुछ ऐसा है, हमें घुमा रहा है ये, देखो अभी किस साइड दिखाऊं, उसी साइड दिखाता हूँ, अरे जब घुमा रहा है, अभी दिखाते हुए घर की साइड को आने दो, लेफ्ट साइड, ये देखो भाई झटके वाली, पीछे बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसा है, बार बार हमें घुमा रहा है, ये घुमरो। ओ भाई ये नेक्स्ट राइड गाइस हमारी प्लेन की राइड, ओ झटका, आइए पीछे प्लेन आ रहा है। बाकी राइड कौन सी अच्छी लगी सबसे ज्यादा, यूं क्या होता है, यूं नहीं दो बार चला गाइस, ये दो बार राइड चलती है, एक बार के बाद दूसरी बार स्टार्ट होती है, क्योंकि ये बहुत छोटी है। अब और दिखाता हूँ और कौन सी राइड है, चलो
तो गाइस उन सब राइड के बाद में आया था इस जगह पर। इस जगह पे कुछ ऐसे था, मेरे को कॉस्ट्यूम सा पहना रहे थे ये, और ये कॉस्ट्यूम कुछ ऐसा था बड़ा टाइट सा था और रस्सी बांध दी, कह रहे चढ़ो। अब मेरे को कुछ नहीं पता समझ आ रहा था कि मैं चढ़ूँ तो चढ़ूँ कैसे वहाँ पर, क्योंकि ना टांग मेरे ना रक्त के साथ ही ना बड़ा अजीब सा फील होता, फिसल रहा था। तो मैं गीला तो हुआ नहीं था, इस चक्कर में आराम से मैं पहले से 3-4 लाइन बड़ी तेजी में चढ़ा, और मैं जितना चढ़ सकता था मैं चढ़ा। अब वहाँ जाके मेरे को थोड़ा सा लगा ऊपर कि हाँ इससे आगे मेरे बस के नहीं है। तो देखो गाइस मैं कितना डर रहा हूँ, अभी तो मेंढक की तरह फिलहाल चिपक रखा हूँ, बार बार पीछे मुड़ के देख रहा हूँ कैमरे में, हाँ दिख रहा हूँ ना मैं, हाँ ये चीज। बाकी देखो मैं कोशिश तो पूरी करूँगा ऊपर जाने तक कि क्या लग रहा है गाइस आपको, मैं ऊपर जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। ये बहुत ऊँचा था वैसे, कम से कम ये 12-15 फुट के अराउंड ऑफ है इसकी हाइट टोटल। तो मैं कोशिश तो पूरी कर रहा था कि मैं चढ़ूँ ऊपर तक, बहुत लोग आते चढ़ नहीं पाते, बाकी मैं जाऊँगा देखते जाओ। तो मेरे को यहाँ पे इतना डर लग रहा था ऊपर जाने पे, क्योंकि नीचे जब देख रहा हूँ ना मैं वहाँ से ऐसा लग रहा अगर मैं गिरा तो बड़ा गंदा गिरूंगा। तो मैंने बोला नहीं यार हार नहीं मानना, अब इतना चढ़ गया हूँ तो पूरा ऊपर तक जाऊंगा, तो देखते जाओ ऊपर कैसे गया मैं। तो गाइस ये वो टाइम आ गया था जो मैं ऊपर पहुंच गया था एकदम कॉर्नर पर, बस एक लकीर और पार करनी थी मैं ऊपर पहुंचूंगा। मेरे को लगा ऊपर पहुंच के ना आर पर चढ़ जाना है, उस पर चला जाएंगे तो बच जाएंगे। अब वहां पहुंचने के बाद देखो मैं तेरे से आराम से पकड़ के खड़ा होता हूँ, तो मैं नीचे गार्ड से पूछता हूँ भाई अब क्या करूँ, तो वो कहते भाई कूद जा। मेरे को इतना डर लगता है कूद जा, अगला कह गया फिर भी मैं दम में कहता पूरा साहस करके कूदूंगा। तो देखो ये कूदा, कूदते के साथ ही भाई इतना डर लग रहा था अगर ये रस्सी टूटी तो मैं बहुत गंदा गिरूंगा, बट फाइनली मैं नीचे आ गया था। हमारी है नाव, हम जा रहे हैं नाव में। फिलहाल आज ना ज्यादा थक गए हम, क्योंकि छोटी मोटी राइड है ना मजेदार नहीं है, ऊपर से थका दे रही है। पीछे देखो जीजा जी को चक्कर आने लगे, दीदी परेशान। दीदी कैसा लगा यहाँ पे आके? दीदी को अच्छा लग रहा है गाइस, बड़ी तेज धूप चुभ रही है। अब जा रहे हैं हम वापस नाव वाली राइड में, ये रही। अब इसमें बैठ के दिखाते हैं क्या मजा है, इसमें मजा बहुत आता है। अभी तक हम गीले नहीं हुए, अब जाके गीले हो रहे, इसलिए मैं आपको भी कहूंगा कभी भी आप आओ आखिरी में गीले होना, क्योंकि बैठने नहीं देते बाद में राइडों में। चलो फिर अब चलते हैं गीले होने, आओ दिखाते क्या मजा। तो गाइस अभी हम बैठ गए हैं नाव में,
देख सकते हो ये नाव कुछ इस प्रकार चल रही है, देखो बड़ी धीरे धीरे देख रहे हो। ये देखो पीछे दीदी और जी दीदी आराम से बैठे हैं, मजेदार राइड है। मैं पायलट बना आगे का ड्राइवर हूँ। अभी ये वाटर प्रूफ फोन नहीं है, इसको जेब में रख दूंगा। बाकी दिखाती है, देखो खाली आ रही है, काफी भी गेड़ी ये आ रही है। ये नाव में बैठ गया, बैक आगे से दिखा। ये नाव चल पड़ी है गाइस, मेरे को डर लग रहा आगे बैठा हूँ, आगे गड्ढा है। चढ़ाई आ चुकी है, यहाँ चढ़ेंगे हम ऊपर। पूरा टेढ़ा है, ये हो गया टेढ़े, इनको रखना पड़ेगा जेब में, वाटर प्रूफ नहीं है। देख रहे हो चढ़ने लग गया। चलो गाइस फाइनली अब इस बार का कुछ ऐसा था गाइस, हम गीले हो चुके हैं पूरा का पूरा, और एकदम कहते ना एकदम फुल गीले हो गए, हम थक गए हैं। अब घर की साइड निकल रहे हैं, यहाँ पे हमारा ये रनवे, पीछे मेट्रो वॉक। दीदी और जीजा जी दोनों के दोनों गीले हैं, अब घर की साइड जा रहे हैं। तो इनसे एक बार पूछते हैं कैसा लगा तुम्हें, कैसा लगा यहाँ आके? हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे नाव वाला जो पूल है बहुत अच्छा है। जीजा जी आपको कौन सी राइड अच्छी लगी? बहुत सबसे अच्छा कौन सा लगा? नाव वाली गाइस, वो जो नाव वाली है जिसे स्प्लैश पूल डाउन कहते हैं, उस पर हम 3 बार झूले हैं टोटल। इतना मजा आया पूछो मत, इसीलिए बहुत ज्यादा गीले हो गए। आखिरी में H2 आए जो राइड का नाम है, वो भी ऊपर से बाल्टी गिरती है तो वो भी हमने झूला। अब यहाँ पे टाइम हो गया हमारा 7 बजे का ऑलमोस्ट, सब कुछ बंद हो रहा है धीरे धीरे, तो अब हम जा रहे हैं घर। बाकी इस टाइम गीले हैं पूरे, तो मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। आपको ये उम्मीद है व्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा होगा यार लाइक कर देना गाइस अच्छा लगा हो तो, कमेंट एंड शेयर में जरूर बताना कि कमेंट में कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, ठीक है ना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय। बाकी नजारा देखिए, ये पूरा का पूरा ऐसा नजारा। ये तीसरी बार हो गया वैसे मेरा ना, मैं हर वीक में यहाँ पे मिल रहा हूँ आपको। चलो कोई नहीं, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।